नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला ग्लास के बारे में। तो गोरिल्ला ग्लास क्या होता है? तो बेसिकली बहुत लोग सोचते हैं कि गोरिल्ला ग्लास बेसिकली गोरिल्ला से मिलके बना होता है, मतलब गोरिल्ला के अंग से। लेकिन ऐसा सच नहीं है। गोरिल्ला ग्लास बस ब्रांड नेम है, जो कि जो है सो बाय कॉर्निंग, कहने का मतलब कि कॉर्निंग जो ब्रांड है उसी का एक ब्रांड नेम है जिसका नाम है गोरिल्ला ग्लास। तो गोरिल्ला ग्लास वही है, एक तरीके का ग्लास। और गोरिल्ला ग्लास जो है जनरली जो सेलफोन होता है, बढ़िया सेलफोन होता है, जो भी फ्लैक्सी स्मार्टफोन होता है, फ्लैक्सीप स्मार्टफोन, उस समय गोरिल्ला ग्लास आता है। गोरिल्ला ग्लास अभी 5 लेटेस्ट है इस समय तक। तो गोरिल्ला ग्लास 5 अभी लेटेस्ट है, जो कि नोकिया 8.2 में आ रहा है, सॉरी 6.7.2 या 8.2 में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि और भी फ्लैक्सीप स्मार्टफोन में आता है गोरिल्ला ग्लास। तो गोरिल्ला ग्लास क्या है? तो गोरिल्ला ग्लास जो कॉर्निंग जो कंपनी है वो क्लेम करता है गोरिल्ला एक ग्लास, जो गोरिल्ला जो ब्रांड नेम है, जो ग्लास बनाया है कॉर्निंग कंपनी, वो बेसिकली नॉर्मल सोडा लाइम ग्लास जो होता है, नॉर्मल ग्लास, उससे ज़्यादा टफ है। पहले टफ है कहने का मतलब कि उसको आसानी से, उससे मजबूती, उससे ज़्यादा अगर उस पर एक लोहा गिराइएगा, उस पर एक लोहा गिराइएगा गोरिल्ला ग्लास और नॉर्मल ग्लास पे, तो नॉर्मल ग्लास जल्दी फूट जाएगा और गोरिल्ला ग्लास जो है सो देर से फूटेगा, मतलब टफ है। और दूसरा है कि ईजियर टू क्लीन, मतलब वो जो है सो क्लीन करने में, मतलब साफ़ करने में ईजियर है। दूसरा है कि आपका जब मोबाइल जब हीट होता है तो होता है कि बेसिकली हाथ में जो होता है पसीना आने लगता है, तो हाथ जो है सो नॉर्मल ग्लास पे स्लिप करने लगता है। लेकिन गोरिल्ला ग्लास अगर आपका है तो नॉर्मल जो स्वेट है वो स्लिप नहीं करेगा, या अच्छा टेम्पर्ड ग्लास लगाए हुए हैं तो आपका टेम्पर्ड ग्लास पे भी स्लिप नहीं करेगा। नहीं तो नॉर्मल जो 30-40 रुपये वाला टेम्पर होता है उसमें आपका स्लिप करेगा स्किन, ठीक है। उसके बाद आता है गोरिल्ला ग्लास जो होता है ज़्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है नॉर्मल ग्लास से, उसको स्क्रैच कीजिएगा तो जल्दी स्क्रैच नहीं होगा। लेवल 6 हार्डनेस है उसका, उससे भी ज़्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट एक चीज़ है जिसका नाम है सैफायर, जो कि महंगे, बहुत ज़्यादा महंगा जो स्मार्टफोन होता है उसमें सैफायर होता है। एप्पल अपने वॉच में क्लेम करता है कि सैफायर है। तो बेसिकली सैफायर जो होता है महंगा होता है ऑब्वियसली, नीलम, तो सैफायर उससे ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर किसी फ़ोन में सैफायर का ग्लास लगा हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा गोरिल्ला ग्लास से मुकाबले। तो गोरिल्ला ग्लास नॉर्मल ग्लास से ज़्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है। और दूसरा एक और बात है कि गोरिल्ला ग्लास जो होता है मुश्किल होता है ब्रेक करना नॉर्मल ग्लास। नॉर्मल ग्लास को अगर टैप कीजिएगा तो हो सकता है टूट जाए। हम जो नया डिस्प्ले लगवाए थे उसको टैप किए टूट गया, लेकिन गोरिल्ला ग्लास नॉर्मली आप थोड़ा सा दबाइएगा भी तो जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। ये होता है गोरिल्ला ग्लास का पावर। गोरिल्ला ग्लास में और खासियत है कि वो बहुत पतला होता है नॉर्मल ग्लास के मुकाबले, बहुत पतला होता है, बहुत मजबूत होता है, तो ये भी एक खासियत है। और साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है कि अगर आप उसको जितना, मतलब नॉर्मल ग्लास को क्या कहते हैं मोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो वो टूट जाएगा आसानी से, लेकिन गोरिल्ला ग्लास एक हद तक मुड़ जाता है। उसके बाद आता है नॉर्मल ग्लास से गोरिल्ला ग्लास जो होता है ज़्यादा क्लियर होता है, कहने का मतलब उससे जो है सो लाइट ज़्यादा बढ़िया से पास हो पाता है, जिससे कि आपको जो है सो मोबाइल का स्क्रीन एकदम ब्राइट और अच्छा दिखता है, ठीक है, कंपेयर टू नॉर्मल ग्लास, रेगुलर ग्लास। उसके बाद गोरिल्ला ग्लास अब जो ऐसा ग्लास डेवलप करने में लगा हुआ है जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑडर फ्री होगा, मतलब एंटी ऑडर होगा, कहने मतलब कि उसमें जो है सो बैक्टीरिया का जो है सो आसानी से बैक्टीरिया लगेगा नहीं, और दूसरा ऑडर मतलब बदबू नहीं करेगा गोरिल्ला ग्लास, ठीक है, ग्लास जो भी है। तो यही सब चीज़ था एकाद जो गोरिल्ला ग्लास के बारे में था कि वो दूसरे ग्लास नॉर्मल ग्लास से अलग होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर और भी बहुत सारा वीडियो का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।